एंड वेलकम टू माय चैनल कुक इट अप। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल मेरी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो है गुलाब जामुन की रेसिपी। और जब आप इस रेसिपी से गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, कोई गुठली नहीं होगी इसमें। और इसका जो शुगर सिरप है यानी शेर जिसमें गुलाब जामुन को डिप करके रखना है, वो कितनी थिकनेस होनी चाहिए और कितनी देर उसमें डिप करके रखेंगे और क्या क्या टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं, वो सब आप देखेंगे इस वीडियो में। जी फ्रेंड्स, तो ये हैं वो इंग्रेडिएंट्स जिनके साथ हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल गुलाब जामुन। सबसे पहले यहाँ पे सूखा दूध मैंने ले लिया है, फुल फैट मिल्क पाउडर जैसे नीडो वगैरह आता है पाकिस्तान में, वो आप यूज़ करेंगे। टी वाइटनर एवरीडे एक्सेट्रा कुछ नहीं जाएगा इसमें। और इसके अलावा इसमें ये मैदा जा रहा है, सादा मैदा 2 टेबल स्पून के जितना भर के मैंने इसमें डाला है। बस आपने क्वान्टिटीज़ का जो है वो ख्याल रखना है तो आपके गुलाब जामुन इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये यहाँ पे बेकिंग पाउडर है जो 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। मेक श्योर के बेकिंग पाउडर आपका बहुत पुराना रखा हुआ ना हो ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से फूलें, ताकि कोई गुठली या दूसरा इशू ना आए। अब आपने इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई वुडन स्पून ले लें या हाथ से किसी भी चीज़ से। जी अब ये यहाँ पे 2 टेबल स्पून सूजी मैंने रखी हुई है जो फाइन बहुत बारीक है। इसमें 2 टेबल स्पून सूजी और इसमें 3 टेबल स्पून के आपने पानी डाल देना है और इसको 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देना है ताकि सूजी फूल जाए अच्छे से। यहाँ पे जो हमारा ड्राई मिक्स है उसमें मैं घी डाल रही हूँ, या आप मेल्टेड बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून ये जाएगा। जी तो अब हम घी को और सूखे दूध वाला जो मिक्सचर है दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेस्ट तो ये है कि आप हाथ यूज़ कर लें, हाथों से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जी तो ये आपने देखा अच्छी तरह से घी जो है वो मैदे में मिक्स कर लिया और बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के जैसे इसकी शक्ल आ गई है। अब जो सूजी को हमने 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ा था वो बिल्कुल ये देखें फूल गई है। अब आपने सूजी को जो है इस मिक्सचर में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी अब ये यहाँ पे मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया है जिसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पोर करके आपने इसकी डो बना लेनी है सॉफ्ट सी। मेक श्योर के बहुत ज़्यादा आप एकदम से नहीं डालेंगे, इससे जो है आपका मिक्सचर लिक्विड हो जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और देखते जाना है कि कितना आपका दूध जो है वो इसमें यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है दूध, लेकिन ये आई गेस के 1/2 कप ऑफ मिल्क में जो है हमारी डो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी की अच्छी बात यह है कि अंडा बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ना अंडे की स्मेल ना एलर्जी इशू। अगर आप चाहते हैं कि गुलाब जामुन आपके बिल्कुल सॉफ्ट, उनकी सरफेस हो, कोई क्रैक ना हो, तो फिर इसके लिए जो है आपने कोशिश करनी है कि डो थोड़ी सॉफ्ट हो, चाहे वो स्टिकी होगी लेकिन सॉफ्ट डो होने की वजह से आपके जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो बहुत स्मूथ बनेंगे और उसमें जो है बहुत प्रोफेशनल लुक इसी वजह से आएगी कि उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होंगे। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि गुलाब जामुन बनाते वक्त इसका आपको ख्याल रखना है। कि मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जा रही हूँ, एकदम से बिल्कुल भी नहीं आपने दूध डालना, और इसको गूंदते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदेंगे, बस इतना इसको करना है कि वो एक डो की जो है वो शेप में आ जाए। अब मेरी डो बिल्कुल सॉफ्ट है, स्टिकी है, इसी स्टेज पे मैंने इसको रोक देना है और इसके बॉल्स बनाने हैं। बिल्कुल ये परफेक्ट डो है, इट शुड बी स्टिकी लाइक दिस। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा सा जो साइज़ आपको अच्छा लगता है आप वो रख लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो छोटा साइज़ रखें, उससे क्या होगा कि गुठली रहने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। अच्छी तरह से आपने इसको दोनों पाम्स के बीच में लेके रोल करते जाना है और ये देखें कोई क्रैक नहीं है इसमें, और इसी तरह से आपने सारे जो हैं इसके बॉल्स बना लेने। अगर बॉल्स आपके स्मूद होंगे तो वो ऑयल में जाके बिल्कुल खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और क्रैक्स की वाली जो अजीब सी शक्ल है वो भी नहीं आएगी। तो ये आपने दूसरी टिप है जिसका ख्याल रखना है।
जी तो यहाँ बॉल्स रेडी हो गए हैं, कोई क्रैक्स नहीं है इसमें, और अब ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल फ्राई करने के लिए रख लिया है और मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे और बहुत स्लो आंच पे भी नहीं करेंगे। स्लो पे करने से क्या होगा कि बहुत क्रस्ट ऊपर जो है वो आ जाएगा, और तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऑफ कोर्स फिर गुठली रह जाएगी और वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो मेक श्योर कि मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करें और कॉन्टीन्यूसली जो है हल्के हाथ से आपने इसको चम्मच चलाते जाना है ताकि जो कलर है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा इवन आए, हर साइड पे कहीं से लाइट कहीं से डार्क नहीं हो बल्कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन, जैसा भी आपको पसंद है आप कलर इसमें अपनी मर्जी का रख सकते हैं। बस मेक श्योर क्योंकि दूध है तो बहुत जल्दी कलर पकड़ता है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इन पर अमल करके अपनी रेसिपी को बनाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मीडियम हीट पे 5 से 6 मिनट आपके लगेंगे और आपके जो गुलाब जामुन है उन पे कलर आ जाएगा। ये देखें मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, आप बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो चमचे नहीं चलाने इसके अंदर। जी तो यहाँ देखें गुलाब जामुन का साइज़ जो है अभी से डबल हो गया, और मैंने आपको डिटेल दिखाया कि कितनी फ्राइंग करनी है और किस तरह से करनी है। बस अब इस पे बहुत अच्छा सा परफेक्ट कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम डालेंगे शुगर सिरप में। शुगर सिरप के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ले ली है, इसमें आधा जो है वो लेमन जूस जाएगा, 4 से 5 छोटी इलायची, और 2 कप चीनी में यहाँ पे मैं 1 कप और 3/4 यानी 2 कप से थोड़ा सा कम पानी शामिल करूँगी। और ये शीर जो है इसकी बहुत गाढ़ी नहीं आपने बनानी है, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल मीडियम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे पकेगी मैं आपको दिखाऊँगी भी, बहुत थिक अगर बनेगी तो उससे क्या होगा कि वो अंदर तक गुलाब जामुन के जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और गुलाब जामुन बाहर से तो मीठा होगा लेकिन अंदर से बिल्कुल ड्राई और फीका होगा, और ऐसा गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं हमें चाहिए। सॉफ्ट और जूसी बनानी है तो इसके लिए जो शुगर सिरप है उसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है शुगर सिरप बनाते वक्त। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसको मीडियम आंच पे इतना कुक करना है कि शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसको बॉयल आने लगे जो शुगर सिरप है उसमें। और मेक श्योर एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि गरम गरम गुलाब जामुन कभी भी आप गरम गरम सिरप में नहीं डालेंगे। अब गुलाब जामुन मैंने फ्राई कर लिए हैं, 5 से 6 मिनट वो रूम टेम्परेचर पे आ चुके होंगे जब तक ये शीर जो है हमारी रेडी होगी। ये देखें अब इसमें शुगर सिरप में बॉयल आ रहा है, इसको 5 से 6 मिनट में पकाऊंगी और अब ये इसमें बिल्कुल अंदर गुलाब जामुन जो है वो जाने के लिए रेडी हैं। ये देखें अब आपने इसको 5 मिनट के लिए बग़ैर कवर किए इसको पकने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इसका चूल्हा मैं 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगी और इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे 2 to 3 आवर्स, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो शुगर सिरप है वो अंदर तक गुलाब जामुन के अब्ज़ॉर्ब हो जाए और इसके बाद होंगे वो रेडी। जी यहाँ पे बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हाई हीट पे जो मैंने इसको 5 मिनट पकाया वो किस तरह से खोल रहे हैं, बिल्कुल बस 5 मिनट पकाया उसके बाद मैंने इसको दम पे छोड़ दिया, और 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको सोख ही रहने देना। जी तो यहाँ 3 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने गुलाब जामुन देखे हैं, और ये देखें आप शुगर सिरप देख सकते हैं पहले कितनी क्वांटिटी थी और अब कितनी रह गई। अच्छी तरह से जो गुलाब जामुन है उन्होंने सिरप अब्जॉर्ब कर लिया है, साइज़ में बहुत अच्छे से फूले फूले बने हैं, और ये देखें कोई उनकी शक्ल जैसे फिस से जाते हैं आप कई दफ़ा गुलाब जामुन, बिल्कुल वो नहीं है, अपनी शक्ल भी रिटेन की हुई है इन्होंने, और अंदर से किस कदर सॉफ्ट और जूसी हैं ये मैं अभी आपको इसको अंदर
से काट के दिखाऊंगी तो आपको फील होगा कि ये किस कदर जो है, इवन कभी हम हलवाई की दुकान से भी बहुत बड़े बड़े नाम है जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर से गुठली निकलती है और ड्राई से होते हैं, तो जब ये आप बनाएंगे तो फिर आप जो है बाहर के गुलाब जामुन भूल जाएंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसान है और अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन जो हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनेंगे। जी तो यहाँ बात करते हैं अब शुगर सिरप की। ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है लेकिन थिक नहीं है, अभी भी रनिंग कंसिस्टेंसी में है। और मीडियम आंच पे फ्राई करने से देखें बिल्कुल इवन कलर आया है और नाइसली गोल्डन कलर। जी तो अब मैं आपको थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ और आप इसका कलर देखें, लुक देखें, इट्स अमेजिंग है ना, ज़रूर ट्राई करना आपने। अब ये देखें मैं आपको स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ कि कितना अंदर तक जो है इसके शुगर सिरप क्या है। कोई भी गुलाब जामुन ऐसा नहीं होगा जो ड्राई हो। और ये देखें ये आप खुद देख सकते हैं कि अंदर से किस कदर सॉफ्ट है और गुठली का तो बस नामो निशान ही नहीं है। ये ऐसे हैं कि बस मुंह में रखें और घुल जाएं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब बने और कब ख़त्म हुए। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।